खूबसूरत साहिल, हसीन वादियों और कुदरती वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान माजी में नजरअंदाज किए जाने के बायस तामीर और तरक्की के सफर में बहुत पीछे रह गया था, मगर आज बलोचिस्तान बिलखसूस इसके साहिली शहरों में आबाद मकीनों की सोच और उनकी समाजी और माशी हालत पाकिस्तान नेवी की जानिब से किए जाने वाले इकदाम से यकसर तब्दील हो चुकी है। जिना नेवल बेस ओरमाड़ा के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर सरदार मोहम्मद अमजद का कहना है कि पाक बहरिया के तहत ओरमाड़ा, गवादर और जीवानी में स्कूल और कॉलेज का कयाम अमल में लाया गया है। पाक बहरिया के तहत ओरमाड़ा में कायम किया जाने वाला कैडेट कॉलेज अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा है, जहाँ 50% कोटा बलोच नौजवानों के लिए मख्तस किया गया है। समुद्री सरहदों की हिफाजत पर मामूर पाक बहरिया अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों के साथ साथ बलूचिस्तान के अवाम की तालीम, सेहत और माशी तरक्की के लिए भी अहम इकदाम कर रही है, जिसकी एक वाज़ह मिसाल दरबानजा अस्पताल ओरमाड़ा है। 4 वर्षों के दौरान इस अस्पताल में 1,74,000 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया, जिसमें 70% मुकामी अफराद शामिल थे। ऑपरेशन थिएटर, गायनेकोलॉजिस्ट सब यहाँ मौजूद है और उस नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, ट्रॉमा सेंटर मौजूद है, एमरजेंसी हैंडलिंग है, आईसीयू है और जो हम वक्त नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और इसके अलावा जितने भी यहाँ की सिविल पॉपुलेशन है उसको लुक आफ्टर करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। पाक बहरिया मुकामी अफराद की माशी हालत में बेहतरी लाने के लिए भी कोशा है। जिना नेवल बेस में 200 मुकामी अफराद को मुलाजमत फराहम करने के अलावा मुकामी खवातीन को हुनरमंद बनाने और उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए ओरमाड़ा और गवादर में इंडस्ट्रियल होम भी काम कर रहे हैं। तारिक अजीज, दुनिया न्यूज, ओरमाड़ा।